आज के इस वीडियो में हम हाउ टू मेक इजी टेस्टिंग लैंप एंड हाउ टू मेक सीरीज टेस्टिंग लैंप और इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि टेस्टिंग लैंप आप अगर आपको घर पर बनाना है या कहीं पर आप इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, तो वहां पर आप तुरंत सीरीज टेस्टिंग लैंप को बना करके आप उस इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। तो हम 220 वोल्ट का भी बना करके देखेंगे और 440 वोल्ट के लिए भी बना करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 220 वोल्ट का बना करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अब ये बल्ब है, इसमें दो तार इस तरह से लगते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि हमें अगर जो सिंगल फेज का अगर हमको बनाना है तो सिंपल आप इन दोनों में आप दोनों पिनों में आप इसके दो जो पिन होते हैं इन पिनों में आप सीधे सीधे तार आप लगा देंगे। जैसे कि यह है, यहाँ पर एक तार यहाँ पर आप लगा दीजिए, एक तार आप यहाँ पर लगा दीजिए। इसी तरह देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों तार यहाँ पर लगा दिए हैं और इसके बाद आपको एक तार इस तरह से आपको फ्री रखना है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा आपको। तो और यहाँ पर आप फेस दे दीजिए और यहाँ पर न्यूट्रल दे दीजिए। अब जैसे ही कोई भी इक्विपमेंट है आप उसको अगर चेक करना चाहेंगे, इस तार को जैसे आप टच कराएंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा, तो सर्किट पूरी हो जाएगी और आपका बल्ब जल जाएगा। अब आइए 440 टेस्ट लैंप के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक बल्ब ये हो गया और एक बल्ब ये हो गया हमारे पास, इसके ये दो तार हैं, ठीक है। तो इन दोनों तारों को हम इस तरह से जोड़ देंगे और इस तार को इधर और इस तार को इधर कर देंगे, ठीक है। आपको सीरीज बनाना है दोस्तों, और आप यहाँ पर फेस दे देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल दे देंगे। ध्यान रहे, जो सिंगल तार रहे वह न्यूट्रल का ही होना चाहिए, वो फेस का नहीं होना चाहिए। वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर ये तार, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या है कि यह तार नहीं निकलेगा, या अगर कहीं टच वच भी होता है तो चूंकि बीच में लोड है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप रहेगा तो उतना झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सीधे सीधे ये तार कहीं से आपको टच हो जाता है तो खतरा हो सकता है। इसलिए आप जो सिंगल तार हो उसको आप न्यूट्रल ही दीजिए, इसमें भी आप न्यूट्रल ही दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को आप टच कराएंगे जो 440 वोल्ट का रहेगा तो भी आप चेक कर लेंगे। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसके लिए हमको दो होल्डर 440 के लिए चाहिए और सिंगल फेज के लिए हमको एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए पहले हम सिंगल फेस वाला बना करके देख लेते हैं और फिर हम 440 वोल्ट वाला बना करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों में दो तार मैंने इस तरह से लगा दिया है टाइट, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों तार तो मैंने लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद एक सिंगल तार हमें लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक सिंगल तार है। अभी हमारा सिंगल फेस का सीरीज टेस्ट लैंप बन गया है। अब इसकी मदद से हम कोई भी इक्विपमेंट अगर हमें चेक करना है तो वह हम आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। अब देखिए, इसमें बाएं हाथ पे यहाँ पर ये न्यूट्रल है और ये फेस है, तो हम न्यूट्रल में इस सिंगल तार को हम न्यूट्रल में ही देंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ये हमारा जो बल्ब का एक तार है होल्डर का, उसको हम फेस में देंगे। तो इस तरह से हम दोनों तारों को इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक। अब हम इन दोनों तारों की मदद से हम किसी इक्विपमेंट को चेक करेंगे। मेरे पास ये एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ को हमें चेक करना है सिंगल फेस टेस्ट लैंप से। देखिए, दोनों को टच करा रहे हैं, बल्ब जल रहा है। अब हमें इस फ्यूज़ को चेक करना है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे तो हमारा देखिए फ्यूज़ सही है ये। अब हम आपको आइए थ्री फेस का सीरीज टेस्ट लैंप बना करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये होल्डर में कनेक्शन कर दिया है। ये देखिए, मेरा एक तार है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अभी था। ये देखिए, एक तार ये आ रहा है इस होल्डर के माध्यम से निकल करके, ये लूप गया और फिर ये फेस को गया। तो ये देखिए, ये मेरा तार है, ये तार यहाँ पे आया, इससे ये हो करके ये देखिए यहाँ पर आ करके लगा, ठीक है। यहाँ पर आ करके देखिए, और ये तार हमारा निकाल दिया हमने, ठीक, उसी तरह से बना दिया है हमने। और उसके बाद एक सिंगल तार हमें और रखना पड़ेगा, तो हम इसको जो है सही से कनेक्ट कर देते हैं। इनको मैं यहाँ पे इसको होल्डर को कर देता हूँ टाइट, और ये वाले तार में, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ टाइट। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये दोनों, ये देखिए एक तार ये आया, इन दोनों को यहाँ पे मैंने लूप कर दिया, ये देखिए ये दोनों लूप कर दिया, और ये तार मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब हमें एक सिंगल एक तार की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे पास ये तार है। और अब मैं इसमें फेस दे दूंगा, ठीक है, और इसमें मुझे न्यूट्रल देना है। देखिए, हमारा बल्ब जल रहा है। अब हमें किसी इक्विपमेंट को चेक करना है,
तो उसके लिए ये देखिए हम फ्यूज़ को इसमें भी चेक करते हैं। सिंपल हवा का फ्यूज़ हमें चेक करना है तो हम इस तरह से लगाएंगे, चेक हो जाएगा कि सही है कि नहीं सही है। तो इस तरह से आप डबल टेस्ट बल्ब का टेस्टिंग लैंप बना सकते हैं और सिंगल बल्ब का भी टेस्टिंग लैंप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।